एक्सेलेंसी प्रेजिडेंट पुतीन प्रेजिडें बतूलगा प्राइम मिनिस्टर आबे प्राइम मिनिस्टर महाथिर फ्रांच नमस्कार दोब्रीदीन वाद्यवस्थों के शांत और प्रकाशमय वातावरण में, में आपके साथ संवाद करना एक सुखद अनुभव है सुबह का उजाला यहाँ से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मंथन केवल फारिश ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा और नई गति देगा इस महत्वपूर्ण अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूँ राष्ट्रपति जी ने मुझे यह निमंत्रण भारत के आम चुनाव से पहले ही दे दिया था 130 करोड़ भारतवासियों ने मुझे मुझ पर विश्वास जताया और आपके निमंत्रण भी उनका विश्वास और मोहर लग गई फ्रेंड्स दो साल पहले राष्ट्रपति पुतिन के ने मुझे सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फॉरम में आमंत्रित किया था यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है वाद्य यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है या आर्कटिक और नॉर्थर्न सी रूट के लिए अवसर खोलता है रूस का करीबन तीन चौथाई भूभाग एशिया है फोर फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब दो गुना है इसकी आबादी सिर्फ छः मिलियन है लेकिन यह रीजन खनिज ऑयल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी है यहाँ के लोगों ने अपने अथक परिश्रम साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनौतियों पर विजय पाई है यही नहीं कला विज्ञान साहित्य स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और एडवेंचर मानव गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार इसके के लोगों ने वादी वस्तुओं के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फॉर ईस्ट एग्जीबिशन देखा यहाँ की विविधता लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की है फ्रेंड्स भारत और फारिस का रिश्ता आज का नहीं बहुत पुराना है भारत वो पहला देश है जिसने वाले में अपना कॉन्सुलेट खोला तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहाँ आने पर पाबंदियाँ थी वाले भारतीय नागरिकों के लिए खुला था रक्षा और विकास के बहुत साजो सामान वाल्दी वस्तु के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है दोनों देशों के लोगों के लिए सुख समृद्धि का सहारा बन रहा है भारत ने यहाँ एनर्जी सेक्टर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है सखालीन के ऑयल फील्ड्स भारतीय निवेश की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है फ्रेंड्स राष्ट्रपति पुतिन का फारिस के लिए लगाव और उनका विजन इस क्षेत्र के लिए ही नहीं भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है उन्होंने रशियन फारिस के विकास को नेशनल प्रायोरिटी फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी घोषित किया है उनकी होलिस्टिक अप्रोच यहाँ जीवन के हर पहलू को इकोनॉमी हो या एजुकेशन हेल्थ हो या स्पोर्ट्स कल्चर हो या कम्युनिकेशन ट्रेड हो या ट्रेडिशन हर एक को बेहतर बनाने का प्रेयक प्रयास है एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले हैं तो दूसरी ओर सामाजिक सेक्टर्स पर भी उतना ही ध्यान दिया है मैं स्वयं उनके इस विजन से प्रभावित हुआ हूं और इसे शेयर भी करता हूं। भारत उनकी इस विजनरी जर्नी में कदम से कदम मिलाकर रूस के साथ चलना चाहता है मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फारिस और वार्दी के रैपिड संतुलित और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विजन जरूर कामयाब होगा क्योंकि यह रियालिस्टिक है और इसके पीछे यहाँ के मूल्यवान संसाधनों और लोगों की असीम प्रतिभा है उनके विजन में इस रीजन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए सम्मान और प्यार झलकता है भारत में भी हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभा की इस रीजन से भागीदारी एक और एक और एक ग्यारह बनाने का ऐतिहासिक मौका है फ्रेंड्स इसी मोटिवेशन से हमने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हमारे पार्टिसिपेशन के लिए अभूतपूर्व तैयारी की कई मंत्री चार राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष दूत फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर से मुलाकात की रूस के मंत्री और फार ईस्ट के बिजनेस लीडर भी भारत आए मुझे ये बताते हुए खुशी रही है कि हमारी इन कोशिशों के बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं एनर्जी से लेकर के हेल्थ एजुकेशन से लेकर के स्किल स्किल डेवलपमेंट माइनिंग से लेकर के टिम्बर, अनेक क्षेत्रों में करीब 50 बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है फ्रेंड्स फ़ारस के विकास में और योगदान देने के लिए भारत वन बिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने ईस्ट एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है और आज की यह घोषणा एक्ट फार ईस्ट का ऑफ पॉइंट साबित होगी और यह मेरा पक्का विश्वास है यह कदम हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है मित्र राष्ट्रों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक्टिव भागीदार बनेंगे फ्रेंड्स भारत की प्राचीन सभ्यता के मूल्यों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से उतना ही ले जितने की जरूरत है हम प्रकृतिक संसाधनों के संवर्धन पर विश्वास करते हैं प्रकृति के साथ यही तालमेल सदियों से हमारे अस्तित्व और विकास का अहम हिस्सा रहा है फ्रेंड्स जिन देशों में भारतीय डायस्फोरा है वहां के लीडर्स जब भी मुझे मिलते हैं भारतीयों के श्रम ईमानदारी अनुशासन और निष्ठा की भरपूर प्रशंसा करते हैं भारतीय कंपनियों ने कारोबारियों ने दुनिया भर में कितने ही क्षेत्रों के विकास में योगदान किया है वेल्थ क्रिएशन का काम किया है साथ ही भारतीयों ने और हमारी कंपनियों ने स्थानीय संवेदनाओं और संस्कृति का हमेशा आदर किया है मुझे पक्का भरोसा है कि भारतीयों का पैसा पसीना प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म फार ईस्ट में तेज विकास लाएंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत ने पार्टिसिपेशन के जो उत्तम परिणाम आए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं फार के सभी 11 गवर्नर्स को भारत आने का निमंत्रण देता हूं फ्रेंड्स मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत रूस सहयोग के लिए एम्बीशियस टारगेट रखे हैं हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं उनको विविधता दी है संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर ला करके प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है उनको राजधानियों से बाहर स्टेट्स और रीजन तक ले गए हैं हमने हर क्षेत्र में सहयोग को अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के सांचे में बढ़ाया है ढाला है हम मिलकर स्पेस की दूरियां भी पार करेंगे और समंदर की गहराइयों से समृद्धि भी निकाल के ले आएंगे फ्रेंड्स इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का नया दौर हम शुरू करने वाले हैं वालेवस्तोग और चेन्नई के बीच जब शिप चलने लगेंगे जब वाले नॉर्थ ईस्ट एशिया के मार्केट में भारत का स्प्रिंग बोर्ड बनेगा तब भारत रूस की साझेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फूलेगी तब फारिस्ट एक और यूरेशियन यूनियन और दूसरी और ओपन फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का संगम बनेगा इस क्षेत्र में हमारे संबंधों का मजबूत आधार होगा रूल बेस्ड ऑर्डर सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सम्मान और अंदरूनी मामलों में दखल से परहेज फ्रेंड्स मशहूर फिलोसोफर और लेखक टोलस्टॉय भारत के वेदों के अपार ज्ञान से बहुत प्रभावित थे और यह वेद वाक्य तो उन्हें बहुत पसंद था एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती उन्होंने अपने शब्दों में इसे ऐसे कहा था ऑल दैट एग्जिस्ट इज वन पीपल कॉल दैट वन बाय डिफरेंट नेम्स इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है टॉलस्टॉय और गांधी जी ने एक दूसरे पर अमित प्रभाव छोड़ा था आइए भारत और रूस की साझा प्रेरणा को हम और मजबूत करें एक दूसरे की तरक्की में और अधिक भागीदार बने अपने शेयर्ड रीजन और विश्व के स्टेबल और सिक्योर भविष्य के लिए मिलकर के काम करें ये हमारी साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत होगी मैं जब भी रूस आया हूँ तो भारत के लिए यहाँ प्यार मैत्रीभाव और सम्मान ही पाया है आज भी इन्हीं भावनाओं का अनमोल उपहार और गहरे सहयोग का संकल्प यहाँ से लेकर के जा रहा हूं। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हम जब भी मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत समय लेकर के मिलते हैं कल अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर कई घंटे बिताए और रात के एक बजे तक हम एक साथ रहे मेरे लिए ही नहीं बल्कि भारत के प्रति उनके मन में जो प्यार है वो उसमें झलकता है मुझे यहाँ की और भारत की एक और सांस्कृतिक समानता दिखाई दे रही है मेरे होम स्टेट गुजरात में बाय बाय की जगह बाय बाय नहीं कहते हैं बाय बाय की जगह आवजो कहते हैं जिसका मतलब है आप फिर जल्दी आइए यहां कहते हैं दसवीं दानिया तो मैं आप सबको कहता हूं आवजो दसवीं दानिया बहुत बहुत धन्यवाद, स्पासीबा बलछोई